मन और बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयत्न करो। हे पार्थ, तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी, इसलिए मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूं जो बहुत समय से लुप्त है, परंतु सृष्टि के आरंभ में इसे मैंने ही सूर्य को दिया था और सूर्य से ये मनु को मिला और मनु से एक श्वाकु तक पहुंचा। सूर्य को दिया था? आपने ये योग सूर्य को दिया था? परंतु हे केशव, आपने आधुनिक काल में जन्म लिया है और सूर्य देव प्राचीन है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि सृष्टि के आरंभ में ही आपने ये योग सूर्य देव को दिया होगा? बोलिए केशव। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हां पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं है। हे परंतप, वैसे तो मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का स्वामी हूं, परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हां पार्थ, मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। किंतु हे केशव, धर्म की हानि होती ही क्यों है? धर्म की हानि इसलिए होती है पार्थ कि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता, कि वो अपने स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं जोड़ पाता। हे पार्थ, यदि ऐसा न हुआ होता तो लाक्षाग्रह दुर्घटना न हुई होती, द्रौपदी वस्त्रहरण न हुआ होता और कौरव और पांडव सेनाएं यूं आज एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी होती। तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है, और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। मुझे देखो पार्थ, इस समाज और उसके वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रच तो दिया, परंतु इस समाज रचना का फल मैंने कभी नहीं चाहा, इसीलिए कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं। और जो इस रहस्य को समझे पार्थ, वो कभी अपने कर्मों में लिप्त नहीं होगा। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्प्रहा, इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, जब ही तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते। तुम भी निष्काम कर्म करो पार्थ, और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया न पड़ने दो। हे भारत,
कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझो। और कर्म, अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है केशव? कर्म तो कर्म है ही, किंतु जो कर्म कर्म फल की आशा से मुक्त होकर किया जाए वो अकर्म है, और जो कर्म व्यक्ति और समाज के हित में न हो वो विकर्म है, निषिद्ध है। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है। और हे पार्थ, जो अकर्ता है, जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है और वही कर्मयोगी है। उसके लिए उसका कर्म ही कर्म फल भी है, और इसीलिए वो एक कर्म के पालन के उपरांत कर्म फल की प्रतीक्षा में नहीं ठहरता, बल्कि दूसरे कर्म की ओर बढ़ जाता है। उसके ज्ञान की अग्नि मोह, क्रोध, द्वेष, आकांक्षा, लाभ, हानि, सुख और दुख के मैल को जलाकर उसके कर्म को शुद्ध कर देती है, और उसका कर्म अकर्म बन जाता है, और वो कर्ता से अकर्ता। और ये अकर्ता, ये ज्ञानी जीवन के आवश्यक साधन जुटाने के अतिरिक्त अपने लिए और कुछ नहीं करता। उसके शेष कर्म समाज कल्याण के लिए होते हैं। यह मनुष्य कर्म करते हुए भी पाप से दूषित नहीं होता। उसका जीवन तो स्वयं ही समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन यज्ञ है। तुम भी अपने जीवन को यज्ञ बना लो और उसके हवन कुंड में अपने कर्म फल की इच्छा, मोह और क्रोध को आहुतियों की भांति जला डालो। और यज्ञ क्या है केशव? अलग अलग लोग यज्ञ की परिभाषा भी अलग अलग करते हैं पार्थ। कुछ लोगों के लिए यज्ञ ब्रह्म का स्वरूप है, उनके लिए सब कुछ ब्रह्म है। कुछ लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, तो उनके लिए पूजा ही यज्ञ है। कुछ साधक आत्मा को परमात्मा से मिलाने की साधना को यज्ञ कहते हैं। इन्हीं यज्ञों की भांति इनमें दी जाने वाली आहुतियां भी अलग अलग प्रकार की हैं। कोई धन की आहुति देता है तो कोई कर्म की, किंतु वास्तव में यज्ञ चार प्रकार के हैं।